उदयगिरी का सिपाही स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या स्पेशल चीजें हैं वो आपको बताएंगे। चलो अंदर चलो, क्या क्या देखेंगे इंशाल्लाह, क्या क्या हो रहा है वर्क। ये हमारा खास रिसेप्शन है और हमारा बिल्डिंग का आदमी है और क्या कह रहे हैं, और हमारा ये मेन्यू स्पेशल मेन्यू है, मेन्यू कार्ड और क्या क्या है बहुत इसमें स्पेशल स्पेशल है। अच्छा। मंदी भी है और कलमी है और तंदूरी है, सब कुछ है और अल्फाम ग्रिल। अब हमारा ग्रिल चले, आपको क्या क्या दिखाते हैं हम। सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये आप इनको मंदी बिरयानी दिया हुआ, मंदी यानी चिकन मंदी दिया हुआ और पेपर चिकन ड्राई दिया हुआ और ये ब्लू लाइन भी है और स्पेशल स्पेशल कुछ सब कुछ है। हम इनको जो ऑर्डर किया वो दिया हुआ। आइए भाई, क्लीननेस के लिए लोगों को चाहिए क्लीननेस। हाँ, आपका किचन दिखाइए। अच्छा, आज आपको जी आइए आइए, ये हमारा मेन कैप्टन है यहाँ का। अच्छा, नाम गिरीश। गिरीश सर जी सर, आइए दिखाएंगे। ये हमारा स्पेशल टेस्ट, स्पेशल टेस्ट कबाब है और ये स्पेशल टेस्ट लॉलीपॉप भी है और लेग पीस भी है और हुनान चिकन के लिए ऐसा रखा हुआ है, रेडी रखा हुआ है और ये हमारा फ्राइड राइस के लिए चिकन है और ये हमारा पार्सल का काउंटर है। ये पार्सल काउंटर अभी ये चटनी मायोनेज़ सब कुछ है और चिकन फ्राइड राइस है, नॉर्मल फ्राइड राइस है, चिकन नूडल्स है, नॉर्मल नूडल्स है और बेटे यहाँ पे होता है, यहाँ ऑर्डर आता है, यहाँ बना के रखते हैं, जो पार्सल भी है पार्सल का भी बना के भी देते हैं और यहाँ वो ये हमारा देखिए, ये हमारा चिकन करी है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल बना के है जी। हाँ, उसमें ऐसा स्पेशल का टेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। ये इसका वजह से सब लोग चिकन स्पेशल ये मसाला है ना ऑर्डर करके और लेते हैं। बड़ीमठा और उदयगिरी में क्या डिफरेंस है? यहाँ का टेस्ट, ये यहाँ का 4-5 आइटम्स ज्यादा है मिलकर मिल के। इधर मंदी भी है, कलमी कबाब है, ग्रिल है और ये टिक्का कबाब है और ये जो ये तंदूरी है और मंदी गोश्त का भी है, मुर्गी का भी है और मटन भी है, यानी स्पेशल आइटम्स है। मटन का और ये गोश्त का है ना अलग अलग होते हैं। मटन का और गोश्त का मतलब मटन का जो फ्राइड जो ज्यादा होता है, गोश्त का भी वही है, मटन का गोश्त है अभी वो स्पेशल बनता है। दो आइटम्स का है, उसमें टेस्ट एक का को दूसरे को अगर पूछने में वो भी मांगते हैं, वो भी कर लेते हैं। ये इधर ये सेकंड ब्रांच है, हाँ जी, ये नया वाला है, वो बनी मंडप का पहली का है, पुराना है। आने वाले दिन में और प्लानिंग है क्या सर? हाँ, 4-5 बनाने की इरादा है। यहाँ ये केटी रोड पे वो इधर इधर बोल रहे, मैसूर में 4-5 बनाना है। कस्टमर्स को बहुत पसंद था, कस्टमर का आपेश मेरा ये यहाँ खोला है हमने। हाँ, ये उन लोग का डिमांड था वहां से इधर खोला। डिमांड सर, डिमांड का वजह से और इसकी इसलिए इतना बड़ा किया हमने। हाँ जी, और जूस काउंटर भी है, जूस काउंटर हमारा ये फारूक भाई है बोलते हैं। और अभी देखिए वहाँ इधर का होक है, उधर पार्सल हो जाता, वहाँ से डिस्प्ले हो जाता, डिलीवर हो जाता। तो आपका एम जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है? सेटिस्फेक्शन मतलब बहुत, यानी बहुत सेटिस्फेक्शन है यहाँ, क्यों टेस्ट बहुत है इनको, हमारा टेस्ट है ना बहुत पसंद किया हुआ इन लोग। क्या टाइम पे कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे? सुबह से 12 बजे से लेकर, नहीं 12 बजे से 11 बजे खोलते हैं हम, 12 बजे से आते हैं कभी कभी, ज्यादा 12 बजे से निकलते हैं, 11 बजे रात को तक, 11 बजे तक।
किचन वर्किंग एरिया है। हाँ, ये अभी इधर मंदी का प्रोग्राम बना रहा है, ये मंदी का पार्सल इधर से बन रहा है। और ये है ये हमारा क्लीनिंग आइटम्स का वॉशिंग एरिया। और ये हमारा डेली यानी पूरा पार्सल इधर होते कटिंग वगैरह पूरा। अच्छा, वो पूरा ये हमारा फिश का और मटन का गोश्त का और मंदी पूरा इधर से बनता है। अच्छा, जी। और ये इसका नाम है हफीज। अच्छा, हाँ, ये मंदी और ये हमारा बिरयानी और फिश का आइटम्स पूरा। हाँ, फैसल से है ये। अच्छा, और ये अल्फाम है, अल्फाम का स्पेशलिटी है। हाँ, सब कुछ बहुत टेस्ट बनाता है वो। जी जी। और यहाँ फरोटा बनता है और सीपी बनता है, फिसलौन फरोटा फरोटा बनता है और चपाती भी बनता है। और ये इधर हमारा ये हमारा इधर कबाब टिक्का ये कलमी। हाँ, ये पूरा और तंदूरी रोटी भी है वहाँ, तंदूरी रोटी भी बनाता है। गिरीश अंत। ओके सर, इली कस्टमर गोविंदर है। बंदे बने सर। हाँ सर, फैमिली ना फैमिली से फैमिली से एसी। ओके, एसी रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट। ओके, पूरो टोटल फैमिली का 20 टेबल है। 20 टेबल, एक टेबल में 4 कवर है। अच्छा, कस्टमर आ रहा है। अच्छा, कमेंट हो गया सर, ऑनलाइन चार्ट नहीं हुआ है, 12 मिनट में होगा, स्टार्ट में होगा। थैंक यू सर।